थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के गांव नेकपुर खुर्द गांव में एक महिला ने फांसी लगा ली, जिसकी सूचना मृतक क्रांति के पति कुलदीप ने पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। उसी समय मृतका के मायके वाले भी मौके पर मौजूद हो गए, लेकिन उन्होंने मौत कैसे हुई यह जाने की बजाय पत्नी के गम में डूबे पति के ऊपर हाथापाई पुलिस के सामने ही शुरू कर दी। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने पति को घर के बाहर बिठा दिया। मृतका महिला का विवाह 5 साल पूर्व हुआ था। उस महिला ने 5 बच्चों को जन्म भी दिया। उनका पालन पोषण उसका पति कैसे कर पाएगा, उसी गम में पति परेशान था। आखिर महिला ने कमरे को बंद करके फांसी क्यों लगाई? फिर भी मृतका के चाचा रामेश्वर दयाल ने उनके पति पर हत्या का आरोप लगा दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ASP त्रिभुवन सिंह ने बताया कि इस महिला को फांसी पर लटकाने की सूचना मिली है। पुलिस मौके पर है, तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष होगी और शादी को लगभग 12-13 वर्ष हुआ था, जिसके 5 बच्चे हैं। आज सुबह उसने लगभग 8 बजे के आसपास आत्महत्या कर लिया है। तो सूचना उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसके मायके के भी लोग आ गए हैं, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ।